चलिए करते हैं स्टार्ट, है ना। मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है, अभी लाइट वगैरह चली जाए तो थोड़ा सा वेट कर लिया कि वेट कर लेना, लाइट जाने के चांस है तो लाइट चली जाए तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है, रिजॉइनिंग के लिए। हाँ तो बताओ कहाँ थे अपन लास्ट क्लास में, डिफरेंशिबिलिटी अपना चल रहा था, ठीक है। तो डिफरेंशिबिलिटी में अपन कहाँ तक आ गए थे। हाँ डिफरेंशिबिलिटी में इंटरवल वाला पॉइंट आपको बता दिया था, इंटरवल वाला बता दिया था, ठीक है। अगेन अब इसमें कुछ बेसिक पॉइंट बता देता हूँ मैं वापस से, फिर उसके बाद अपन एक मेथड में और बताता हूँ आपको। पहले एक पॉइंट और बता देता हूँ आपको, मतलब एक तरह से प्रॉपर्टीज आप मान लीजिए, एक तरह से प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि एक तो मैं बोल सकता हूँ कि पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिफरेंशिएबल इन डोमेन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, पॉलीनोमियल फंक्शन, ऑलवेज डिफरेंशियबल, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉग एक्सपोनेंशियल डिफरेंशियबल फंक्शन इन डोमेन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल एट इंटीजर्स, मतलब जहां पर डिसकंटिन्यूस हो गया तो वहां पे अपन नॉन डिफरेंशिएबल बोल ही सकते हैं अपने पास, ठीक है। हाँ एक्सरसाइज टू का क्या, पीयूष प्रजापत, अच्छा एक्सरसाइज टू, ठीक है, पहले अपन एक बार इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर लास्ट के 15-20 मिनट में डाउट ले लूंगा, है ना। 6:30 तक अपन इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, 6:30 से फिर अपन पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल, नहीं तो उसके डाउट वो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं ना, डाउट क्लास में पूछे हुए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा अपना, तो ऐसे सिलेबस बहुत धीरे हो जाएगा फिर। चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट इंटीजर्स, इंटीजर्स पे नॉट डिफरेंशियबल होंगे, ठीक है। और ये हो गया एक पॉइंट, और उसके बाद एक ठीक है, और उसके बाद मैं बोल सकता हूं कि इफ fx एंड gx आर डिफरेंशियबल एट x इक्वल्स टू a, then fx and gx are differentiable at x equals to a, fx plus minus gx, fx into gx and fx upon gx, वो जैसे कंटिन्यूटी में लिया था बिल्कुल वैसे, कि fx and gx are differentiable at x equals to a, then fx plus minus gx, fx into gx and fx upon gx will be differentiable at x equals to a, ठीक है। बस कंडीशन वही है कि g of a should not equals to zero, जी ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। दो डिफरेंशियबल फंक्शन आप लेंगे तो दो डिफरेंशियबल फंक्शन का कोई भी कॉम्बिनेशन आप कर लें, दो डिफरेंशियबल फंक्शन का कोई भी कॉम्बिनेशन कर लें, उनका एडिशन कर लें, उनका सब्ट्रैक्शन कर लें, उनका मल्टीप्लीकेशन कर लें, उनका डिविजन कर लें, प्रोवाइडेड डिविजन में क्या होगा कि जी ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। डिविजन कर लें, डिविजन में क्या, जी ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए तो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, राइट। देन उसके बाद दोनों यदि मैं नॉन डिफरेंशिएबल ले लू, दोनों
if fx and gx both non-differentiable at x equals to a, then fx plus minus gx, fx into gx, and fx upon gx. If fx and gx both non-differentiable at x equals to a, then fx plus minus gx, fx into gx, and fx upon gx may be differentiable at x equals to a. ठीक है, दो यदि आप नॉन डिफरेंशियबल फंक्शंस लेते हैं, ठीक है, दोनों डिफरेंशियबल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. दो यदि आप नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन लेते हैं, उनका एडिशन, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, वो डिफरेंशियबल हो सकता है, वो डिफरेंशियबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. आपको याद हो तो कंटिन्यूटी में भी यही रूल था, कंटिन्यूटी में भी यही रूल था कि यदि x equals to a पर दो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हैं तो उनका एडिशन, डिफरेंस, वो सब कंटिन्यूस भी हो सकता था. ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो लास्ट वाला रूल है. ठीक है, एक बार इसको लिख लो आप, पहले इसको लिख लो, उसके बाद में नेक्स्ट रूल पर आता हूं. सर थर्ड ऑर्डर प्रॉपर्टी सम सर सर फोर्थ और फिफ्थ सर सर ये फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी सर समझ नहीं आई सर. कौन सा वाला, लास्ट वाला, कौन सा वाला बोलो सर? फोर्थ और फिफ्थ सर. फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ वाला जो है कि fx and gx are differentiable, मतलब ये है ना दोनों में कॉमन रूल है. मैं दोनों के लिए एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ. एक बार आप पॉइंट लिख लो, मैं फोर्थ और फिफ्थ में एग्जांपल देके भी आपको बता देता हूँ. कंटिन्यूटी में भी है और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों में सेम टाइप का रूल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना. एक बार आप पांचों पॉइंट नोट कर लो. देखो फोर्थ पॉइंट बहुत सिंपल सा है कि मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि यदि दो डिफरेंशियबल फंक्शन आप लोगे तो उनका कोई भी कॉम्बिनेशन आप करोगे तो वो डिफरेंशियबल ही आएगा. ठीक है, लेट्स से मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं आपसे. मान लो मैंने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल फंक्शन है, हमेशा डिफरेंशियबल होता है, ग्राफ भी याद है. ठीक है ना, आपको दोनों चीजें ग्राफ भी आपके पास रहता है. और लेट्स से मैंने एक सिंपल सी बात बोली gx, gx इज इक्वल्स टू sin x, डिफरेंशियबल है, ठीक है, sin x याद है. तो ये दोनों यदि किसी भी पॉइंट की बात कर लो, जनरल बात कर लो या पॉइंट की बात कर लो, ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि x स्क्वायर प्लस sin x करोगे आप, x स्क्वायर माइनस sin x करोगे आप, x स्क्वायर इंटू sin x आप करोगे, ये डिफरेंशियबल, fx प्लस gx, fx माइनस gx डिफरेंशियबल, fx इंटू gx डिफरेंशियबल, ठीक है, fx अपॉन gx भी वहां वहां पे डिफरेंशियबल होगा जहां पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं आ रहा होगा,
तो फॉर एग्जाम्पल आपकी बार यदि आप एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स की बात करोगे तो दिस विल बी मैं बोलूंगा नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई, सॉरी उल्टा बोल दो, नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू एन पाई, क्योंकि एन पाई पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, उसके अलावा हर जगह डिफरेंशियबल हो जाएगा। ठीक है, तो दो डिफरेंशियबल फंक्शन का कोई भी कॉम्बिनेशन आप लोगे, सेम कंटिन्यूटी में भी अपन ने बोला था, सेम चीज अपन ने कंटिन्यूटी में बोला था, ठीक है, कि आप दो कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन का कोई भी कॉम्बिनेशन करेंगे एक्सेप्ट इन द केस ऑफ डिनोमिनेटर वेयर बिकम जीरो, उसको छोड़ के। ठीक है, नाउ अब फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहा हूं कि यदि दोनों फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल आ जाए तो उसका कॉम्बिनेशन कुछ भी आ सकता है, दोनों फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है। जैसे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं, लेट्स से fx में ले लूं mod x, ठीक है, और gx लेट्स से मैं ले लूं माइनस mod x, mod x का ग्राफ याद है और आप बोल सकते हो नॉन डिफरेंशियबल एट x इक्वल्स टू g, याद है ना mod x का ग्राफ, माइनस mod x का ग्राफ भी आपको याद है, माइनस mod x का ग्राफ ऐसा होता है, तो ये भी मैं बोल सकता हूं मैं नॉन डिफरेंशियबल एट x इक्वल्स टू जीरो, नॉन डिफरेंशियबल एट x इक्वल्स टू जीरो, fx इनटू gx, fx इनटू gx, fx into gx की बात करोगे आप तो mod x into minus of mod x minus mod x square, ठीक है, और mod x square को लिख सकते हो x square, so that becomes minus x square, और माइनस एक्स स्क्वायर तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो ऐसा ग्राफ बनता है विच इज ऑलवेज डिफरेंशियबल, वो हमेशा डिफरेंशियबल, ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू जीरो पे ये भी नॉन डिफरेंशियबल था, ये भी नॉन डिफरेंशियबल था, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है मे बी डिफरेंशियबल, वो डिफरेंशियबल भी हो सकता है, इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि वो डिफरेंशियबल भी हो सकता है और नॉन डिफरेंशियबल भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इन जनरल तो मुझे वो मे बी डिफरेंशियबल इसलिए लिखा, पर इन जनरल तो मुझे क्या लगेगा कि दोनों नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन है तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी कैसा होना चाहिए, नॉन डिफरेंशियबल होना चाहिए ना, ठीक है, पर यही पॉइंट मैं समझा रहा हूं कि हो सकता है कि दोनों फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल हो लेकिन उसका प्रोडक्ट, उसका सम, उसका डिफरेंस, वो डिफरेंशियबल भी आ सकता है, जैसा कि इस वाले केस में हो रहा है। अगर ये नहीं बात समझ में, आई के नहीं बात समझ में किसने पूछा था इसी, ठीक है, हाँ, अब एक पॉइंट और इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूं, यस सर, एक सिक्स्थ पॉइंट और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ एफएक्स इज differentiable at x equals to a, fx is differentiable at x equals to a, and gx is non-differentiable at x equals to a, fx x equals to a पर differentiable है, gx non x equals to a पर non-differentiable है, ठीक है, कॉन्स्टेंट क्या होगा, हाँ कॉन्स्टेंट डिफरेंशियबल होगा, पेमेंट कॉन्स्टेंट तो डिफरेंशियबल, ग्राफ से देख लो ना, स्ट्रेट लाइन तो डिफरेंशियबल होगा यार,
लाइट गई भाई, लाइट गई। हाँ गए सर। आई नहीं है अभी वो डेटा से, मैंने कनेक्ट तो कर लिया पर अंधेरा हो रहा है एक्चुअली सर। पानी के लिए दिखेगा तो नहीं है सर, कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा सही में। हाँ सर नहीं दिख रहा सर, पानी गिर रहा है क्या सर आपकी बहुत ज्यादा? वेट करो देखे थोड़ी देर आ जाए। सर जब तक अंताक्षरी खेल रहे थे सर, इसका इस्तेमाल तब तक का प्रॉपर्टी डिक्टेट कर दीजिए। प्रॉपर्टी हाँ देखो बोलो। हाँ सर बोलो बोलो। हाँ सर बोलो। fx is diff, चलो आ रही दिख रहा है सबको आ गया सर, लेकिन ब्लर हो गया सर। न्यू न्यू नहीं गलत बोल रहा सर। नहीं है सर सही है, परफेक्ट सही दिख रहा है परफेक्ट। पार्थिव वो चश्मे का धूला साफ करो तुम, एक तो इसमें एकदम अच्छा दिख रहा है सर, परफेक्ट बिल्कुल। नहीं वो पार्थिव के चश्मे पे धूला लग रहा है। एक मिनट अभी आए हो जो। यस सर बढ़िया है। चलो दिख रहा है क्या? थोड़ा सा वोल्टेज कंफ्यूजन हो रहा हो सर, ठीक है आप तो पढ़ेंगे। चलो तो पॉइंट में बता रहा था कि fx f डिफरेंशिएबल एट x equals to a एंड gx इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x equals to a, देन fx इज डिफरेंशिएबल एट x equals to a देन एंड gx देन fx प्लस माइनस gx will be non-differentiable at x equals to a. Okay. fx is differentiable at x equals to a and gx is non-differentiable at x equals to a, then fx plus minus gx will be non-differentiable at x is equals to a. ठीक है, मतलब एक यदि डिफरेंशियबल फंक्शन है और एक नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन है तो इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो x इक्वल्स टू a पर नॉन डिफरेंशियबल ही होगा। ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है नॉन डिफरेंशियबल ही होगा उस पॉइंट पर x इक्वल्स टू a पर, है ना, x इक्वल्स टू a पर। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो समझना, ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करना है वो समझिएगा कि एक डिफरेंशियबल है और एक नॉन डिफरेंशियबल। जैसे एक सिंपल सा पॉइंट में बताता हूं कि मान लो एक फंक्शन में लेता हूं fx is equals to mod x और एक फंक्शन में लेता हूं gx is equals to let's say mod of x minus 1। ठीक है, fx is equals to mod x और gx is equals to mod of x minus 1, राइट। मॉड एक्स कहां पे नॉन डिफरेंशियबल है? मॉड एक्स कहां पे जीरो, है ना, मतलब ये मैं बोलता हूं नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये कहां पे नॉन डिफरेंशियबल है? एक्स इक्वल्स टू वन। एक्स इक्वल्स टू वन,
ठीक है। अब मान लो मैं आपको सीधा सीधा एक फंक्शन दे दूं मोड एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वन। अब इसका यूज समझो देखो इस प्रॉपर्टी का, मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस वन। तो अब यदि मैं x इक्वल टू जीरो की बात करूं, मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस वन पे x इक्वल टू जीरो की बात करूं, मोड एक्स प्लस मोड एक्स, तो x इक्वल टू जीरो पे आप क्या बोलो, x इक्वल टू जीरो पे आप क्या बोलो, x इक्वल नॉन डिफरेंशिएबल जी, x डिफरेंशिएबल। जीरो पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हुआ, लेकिन जीरो पे ये तो डिफरेंशिएबल है ना। यदि मैं x इक्वल टू जीरो पे देखूंगा तो मैं x इक्वल टू जीरो के लिए आपसे ऐसा बोलूंगा कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये तो कैसा होगा, डिफरेंशिएबल। ठीक है, और अपना रूल क्या बोलता है, अपना रूल ये बोलता है कि डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल विल बी नॉन डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पर। ठीक है, तो x इक्वल टू जीरो पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हुआ, ये डिफरेंशिएबल हुआ, लेकिन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबल माइनस नॉन डिफरेंशिएबल को क्या बोलेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल। ये जीरो की बात है, ये जीरो की बात है। अब सेम में ये बात यदि x इक्वल टू वन के लिए करूं, सेम बात यदि मैं x इक्वल टू वन के लिए करूं, तो x इक्वल टू वन पे ये डिफरेंशिएबल है और ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू वन पे। अरे बात समझ में, x इक्वल टू वन पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। तो अगेन x इक्वल टू वन की यदि मैं बात करूं तो डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल फिर से क्या बोलोगे आप, नॉन डिफरेंशिएबल। तो कुल मिला के मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x इक्वल टू जीरो एट x इक्वल टू वन, x इक्वल टू जीरो एट x इक्वल टू वन पे ये पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, x इक्वल टू जीरो पे भले ही केवल ये नॉन डिफरेंशिएबल था, इसके कारण से पूरा नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। x इक्वल टू वन पे ये नॉन डिफरेंशिएबल था, इसके कारण से पूरा नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। तो दिस इज माय पॉइंट कि यदि मैं दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करूंगा, ठीक है, दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करूंगा, ठीक है, तो उसमें से यदि एक भी मेरे पास नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है उस पॉइंट पर। अब ये हो सकता है कि ये अलग पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, उस कारण से मैं उस पॉइंट, ये जिस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है उस पे हो सकता है दूसरा वाला डिफरेंशिएबल हो जाए। यदि ये नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है और वो डिफरेंशिएबल हो गया तो भी मेरा पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, प्रॉब्लम तब आती है सर, दोनों डिफरेंशिएबल होने चाहिए तभी डिफरेंशिएबल होगा। नहीं, अभी इससे पहले वाला पॉइंट देखो, रिकॉल करो, यही पॉइंट समझा रहा हूं। देखो आप तीनों पॉइंट में डिफरेंस समझो। पहला तो चलो सबसे स्टैंडर्ड है, दोनों डिफरेंशिएबल हो गया तो डिफरेंशिएबल हो ही गया, वो तो बात खत्म हो गई। लेकिन एक सेकंड पॉइंट रिकॉल करो आप, सेकंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है कि एक डिफरेंशिएबल है, और सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है मैंने, दोनों नॉन डिफरेंशिएबल हो। सेकंड मतलब इससे पहले वाला जो पॉइंट है उसमें क्या लिखा अपन ने, यदि दोनों नॉन डिफरेंशिएबल हैं, दोनों, तो भी उसका एडिशन डिफरेंशिएबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये तो करा था अपन ने, मोड एक्स माइनस मोड एक्स मल्टीप्लाई, और यही तो करा था। तो दोनों नॉन डिफरेंशिएबल हैं, ठीक है, मैं लिखता हूं एक मिनट, दोनों देखो मैंने ये बोला, पहला पॉइंट मेरा ये था कि डिफरेंशिएबल प्लस माइनस डिफरेंशिएबल में तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों डिफरेंशिएबल होगा तो कोई फाइट नहीं है उसमें। ठीक है, सेकंड पॉइंट मेरा क्या था कि मेरे को जो मेन प्रॉब्लम है वो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल में है। क्यों? क्योंकि वी डू नॉट हैव एनी फिक्स कंक्लूजन मे और मे नॉट बी, may or may not be, we have to check. Third
थर्ड इस पॉइंट में अच्छी बात यही हो रही है, इस पॉइंट में अच्छी बात ये हो रही है कि यदि मैं एक डिफरेंशियबल ले रहा हूं और एक नॉन डिफरेंशियबल ले रहा हूं, ठीक है, एक डिफरेंशियबल ले रहा हूं और एक नॉन डिफरेंशियबल ले रहा हूं तो भी मेरा कंक्लूजन फिक्स हो गया नॉन डिफरेंशियबल, नॉन डिफरेंशियबल। अब किसी पॉइंट पे हो सकता, अब अपने क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जीरो पे ये नॉन डिफरेंशियबल था, ये डिफरेंशियबल था, वन पे ये डिफरेंशियबल था, ये नॉन डिफरेंशियबल था, वो एक अलग अलग बात हो सकता है ना, पर एक जनरल पॉइंट ये है अपना कुल मिला। तो इसलिए मुझे दिक्कत एक ही केस में आती है, दिक्कत एक ही केस में आती है जब जिस पॉइंट पे मैं चेक कर रहा हूं उस पॉइंट पे दोनों नॉन डिफरेंशियबल आ जाए, तब मुझे फिर चेक करना पड़ेगा, पूरे फंक्शन को चेक करना पड़ेगा। यदि दोनों डिफरेंशियबल आ रहे हैं तो भी मैं फिक्स बता दूंगा, एक डिफरेंशियबल आया एक नॉन डिफरेंशियबल आया तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, तब भी मैं डायरेक्ट बता सकता हूं इट विल बी नॉन डिफरेंशियबल। ठीक है, आई की नहीं बात समझ में आए? आ गई सर। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो अब एक ये पॉइंट लिख लो और इसके बाद मैं एक नेक्स्ट पॉइंट और अभी लिखाऊंगा। जैसे मान लो अभी मैं दो तीन फंक्शंस लिखता हूं आपको इसके एग्जांपल से रिलेटेड, ठीक है, मान लो मैंने एक लिख दिया मोड एक्स माइनस वन प्लस मोड एक्स माइनस टू प्लस मोड एक्स माइनस थ्री प्लस लेट्स से फोर एक्स प्लस फाइव, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया लेट्स से एफ एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, x belongs to 0 से लेकर pi तक, जीरो से पाई तक। x into x ये मल्टीप्लाई वाला मतलब कोई मल्टीप्लाई वाला मैं बाद में दूंगा, है ना। जैसे पहले वाला आप बताओ, अब पहले वाले के लिए ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसपे मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, जिनको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे पहले वाला क्वेश्चन देखो आप, फर्स्ट वाला फंक्शन, हाँ, नॉन डिफरेंशियबल कहाँ कहाँ पर, नॉन डिफरेंशियबल वन टू एंड थ्री, बस यही होंगे कि और भी कुछ होगा, ये तीन होंगे कि और भी कुछ होना चाहिए, क्या सर? ये तीन ही पॉइंट्स हैं कि और भी कोई पॉइंट्स होंगे फर्स्ट वाले के लिए? नो सर, राइट राइट, ये तीन ही होंगे, है ना भाई। ये तो डिफरेंशियबल है ना, आप डिफरेंशियबल फंक्शन को तो हटाइए। जैसे मैं x = 1 की बात करूं तो x = 1 पे मैं क्या बोलूंगा,
ये नॉन डिफरेंशियबल, बाकी ये पूरा डिफरेंशियबल, क्योंकि वन पे तो ये भी डिफरेंशियबल है ना, वन पे तो ये भी है, वन पे तो ये भी है, तो वन पे मेरा डिफरेंशियल नॉन डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल नॉन डिफरेंशियबल। बिल्कुल ऐसे टू की बात करेंगे ये, ऐसे थ्री की बात करेंगे तो ये, ठीक है। सेकंड वाले के लिए क्या बोल सकते हो, जीरो से पाई में नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू, पाई बाय टू डिफरेंशियबल है, एक्स स्क्वायर की तो पाई, एन एक्स के लिए मैं निकाल लूंगा, ठीक है। थर्ड, थर्ड के लिए मोड साइन एक्स, मोड साइन एक्स का ग्राफ याद हो तो जीरो से टू पाई में, जीरो से टू पाई में मोड साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, जीरो पाई सर ये सेकंड वाला पाई बाय टू पे सर कैसे है नॉन डिफरेंशियल, टेन एक्स पाई बाय टू पे नॉन डिस्कंटिन्यूस होता है ना, तो डिस्कंटिन्यूस होता है नॉन डिफरेंशियबल तो होगा ही होगा, एक्स स्क्वायर तो पॉलिनोमियल है तो हमेशा कंटिन्यूस डिफरेंशियबल होता है, तो टेन एक्स अगेन पाई बाय टू पे मैं क्या बोलूंगा, पाई बाय टू पे ये नॉन डिफरेंशियबल हो गया, ये डिफरेंशियबल हो गया पाई बाय टू पे, ठीक है, तो इसलिए ये पूरा नॉन डिफरेंशियबल हो गया, ठीक है। थर्ड में मोड साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा, तो जीरो से टू पाई में साफ साफ दिख रहा है कहां पे नॉन डिफरेंशियबल हो रहा है, ये पाई पे, पाई पाई है ना, पाई पाई की यदि मैं बात करूंगा तो पाई पे, पाई पे ये नॉन डिफरेंशियबल है, ये डिफरेंशियबल है, ठीक है, ये तो डिफरेंशियबल है, cos x तो पूरा स्मूथ चलता है, ठीक है, तो नॉन डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल अगेन नॉन डिफरेंशियबल, आई विल से नॉन डिफरेंशियबल एट x इक्वल्स टू पाई, ठीक है, आई बात समझ में, यस सर। n पाई आना था ने, अरे जीरो से टू पाई की बात कर, इंटरवल, अच्छा तो सर टू पाई पे भी तो होना था वो डिस्कंट, पाई ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल मैंने बताया था, एंड ओपन इंटरवल है तो फिर टू पाई और जीरो कंसीडर नहीं करते, बस है ना। अब एक पॉइंट और इसमें, fx is continuous and differentiable at x equals to a, fx is continuous and differentiable at x equals to a, gx is continuous and non-differentiable. Gx is continuous and non-differentiable at x equals to a. ठीक है, एफ एक्स कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशियबल भी है, ठीक है, देन एफ एक्स इंटू जी एक्स कंटिन्यूस तो होगा ही सही, क्योंकि दोनों फंक्शन यदि कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस क्या होता है, कंटिन्यूस तो होता ही है, ठीक है, yes. डिफरेंशियबिलिटी की यदि बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, यदि मैं डिफरेंशियबिलिटी की बात करूंगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स विल बी डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ f of a equals to 0 and if f of
A is not equals to zero, then fx into gx will be non-differential. F a not equals to zero, then fx into gx will be non-differentiable. मतलब ये है कि यदि अपन दो फंक्शन का प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको सॉल्व ऐसे ही करना है डायरेक्ट, हाँ इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो, इसको डायरेक्टली कर सकते हैं अपन। प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी का यूज यही तो है, और ये सारे क्वेश्चन वैसे ही बोर्ड में नहीं आते, इस टाइप क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते, अपने को इसमें ही करना है, सारी प्रॉपर्टी का यूज यही तो है, ठीक है। ये तो अपने एक एक, अब आप सोचो एक एक पॉइंट पे यदि मैं चेक करता रहूंगा तो कितने बड़े बड़े फॉर्मूले, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। यस सर, तो ये बहुत डिफरेंट पॉइंट है कि fx into gx की यदि मैं बात करूं, fx into gx की, ठीक है, तो fx into gx will be differentiable at x equals to a if f of a equals to 0, ठीक है, और f of a not equals to 0 हुआ तो fx into gx will be non-differentiable। इसका मतलब ये है कि मैं दो फंक्शन का प्रोडक्ट ले रहा हूं x इक्वल्स टू a पर, पॉइंट नंबर वन, दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होने चाहिए, ठीक है, ध्यान से सुनना, पॉइंट नंबर वन, दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होने चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, ये डिफरेंशिएबल है और ये नॉन डिफरेंशिएबल है, पहले वाला ही केस हो गया, अभी इसके जस्ट पहले वाला भी यही था ना अपने, डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशियबल, तो fx डिफरेंशिएबल, gx नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, तो इनका जो मल्टीप्लाई है ये विल बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a इफ f ऑफ a इक्वल टू 0। व्हाट इज f ऑफ a, जो आपका इन दोनों में जो डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन है, मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें एक डिफरेंशिएबल है एक नॉन डिफरेंशिएबल है, राइट, कंटिन्यूस तो दोनों ही है, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि यदि डिफरेंशिएबल वाले फंक्शन की वैल्यू जीरो आ रही है उस पॉइंट पर एक्स इक्वल्स टू ए पर, तो फिर मेरा पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन यदि डिफरेंशिएबल वाले फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, डिफरेंशिएबल वाले फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, तो फिर पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स इंटू मोड एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये दो एग्जाम्पल आपको एकदम क्लियर कर देंगे कि किस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। ये डिफरेंशियबल, ये नॉन डिफरेंशियबल, है ना, जीरो पे, ये डिफरेंशियबल, ये नॉन डिफरेंशियबल, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू थ्री। चार फंक्शन देखना, पहला केस की मैं बात कर रहा हूं, पहले केस में मैं दो फंक्शन देख रहा हूं, पहले केस में मैं दो फंक्शन देख रहा हूं, एक x और एक mod x। पॉइंट नंबर वन, दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं। पॉइंट नंबर टू, पहला फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर है एक फंक्शन, एक मॉड एक्स माइनस थ्री है, अगेन दोनों कंटिन्यूस है, बट अगेन इट इज नॉन डिफरेंशियबल, इट इज डिफरेंशियबल। दोनों फंक्शन में पहला वाला फंक्शन डिफरेंशियबल है, दूसरा वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है। पहले क्वेश्चन में मैं x इक्वल टू जीरो की बात कर रहा हूं, दूसरे क्वेश्चन में x इक्वल टू थ्री की बात कर रहा हूं। अब मेरा पॉइंट यह बोलता है कि यदि डिफरेंशियबल वाले फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर जीरो आ जाती है,
जिस पर आप डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, जिस पर आप डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो फिर पूरा का पूरा फंक्शन डिफरेंशियबल होगा, अदरवाइज नॉन डिफरेंशियबल होगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाले फंक्शन में डिफरेंशियबल वाले फंक्शन की वैल्यू जीरो आ रही है एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, तो इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, तो दैट्स व्हाई मैं बोल सकता हूं कि ये कंप्लीट फंक्शन जो है डिफरेंशियबल होगा एक्स इक्वल्स टू जीरो, कंप्लीट फंक्शन। इसी मैं सेकेंड केस की यदि मैं बात करूंगा, सेकेंड केस में x इक्वल्स टू थ्री पर, पहले तो पॉइंट ध्यान रखना किस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, मैं x इक्वल्स टू थ्री की बात कर रहा हूं, तो x इक्वल्स टू थ्री पर ये वाला जो फंक्शन है जिसको मैं f ऑफ x मान रहा हूं उसकी वैल्यू जीरो नहीं आ रही, डिफरेंशियबल वाले फंक्शन। ऐसे याद रखो, याद रखने का तरीका एक ही है, डिफरेंशियबल मल्टीप्लाइड बाय नॉन डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल वाले की वैल्यू जीरो आ रही है, डिफरेंशियबल वाले की वैल्यू जीरो आ रही है, ठीक है। तो एफ ऑफ थ्री नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको बोलूंगा नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू। बताओ पॉइंट आया कि नहीं समझ में? पॉइंट आया कि नहीं समझ में? एक लाइन याद रखना कि मैं ये बोल रहा हूं कि डिफरेंशियबल मल्टीप्लाइड बाय नॉन डिफरेंशियबल, ठीक है, डिफरेंशियबल मल्टीप्लाइड बाय नॉन डिफरेंशियबल, यदि उसमें डिफरेंशियबल वाले फंक्शन की वैल्यू जीरो आ रही है, किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे अपन चेक करने की बात कर रहे हैं, यदि डिफरेंशियबल वाले फंक्शन की वैल्यू जीरो आ रही है तो पूरा फंक्शन डिफरेंशियबल, यदि उसकी वैल्यू नॉन जीरो आ रही है तो पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले केस में आप ध्यान से देखो तो ये मेरा डिफरेंशियबल फंक्शन था, ये नॉन डिफरेंशियबल था, इसकी वैल्यू जीरो आ रही है जीरो पे, तो मेरा रूल बोलता है कि ये जीरो पे डिफरेंशियबल होगा। सेकेंड वाले में इसकी वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, इसकी वैल्यू मतलब किसकी वैल्यू, जो डिफरेंशियबल फंक्शन था, वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है, डिफरेंशियबल नॉन डिफरेंशियबल में वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है, तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं आ रही है उस पॉइंट पर जिस पर मैं डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहा हूं, तो इसलिए ये पूरा का पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल हो जाएगा। बताओ आई की नहीं समझना बात? ठीक है, yes, देखो क्या है कि आप दिक्कत ये नहीं, आप प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे तो फिर मेरे पास दूसरा रास्ता एक ही है, या तो मैं इसका ग्राफ बना लूं सीधा सीधा, और या फिर कॉम्प्लिकेटेड रास्ता x इक्वल टू थ्री पर आर एच डी निकालू, एल एच डी निकालू, वो तो रास्ता हमेशा ही सही, ठीक है। पर अब यदि मुझे डायरेक्ट प्रॉपर्टी पता है तो मुझे आर एच डी एल एच डी ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप मान के चलो देखो उस क्वेश्चन आए भी हैं और आते भी हैं ऐसे, ठीक है ना, वो जिसमें आपसे प्रॉपर्टी लगवाना चाहेगा ना प्रॉपर्टी से ही करना पड़ेगा, आप मतलब आर एच डी एल एच डी सोच भी नहीं पाओगे उसमें, आर एच डी एल एच डी हो सकता है कि इतना बड़ा जा रहा हो कि अपन सोच भी नहीं पाएंगे यार इसमें आर एच डी एल एच डी लगा भी पाएंगे नहीं लगा पाएंगे वाला पॉइंट है अपने पास, है ना, क्लियर है। तो ये दोनों एग्जाम्पल लिख लो, पॉइंट लिख लो, फिर अपन में एक मेथड मेरे को और बताना, फिर क्वेश्चन करेगा। Thank you.
अब ना जैसे एक शॉर्टकट मेथड है अपने पास, है ना, जिसपे अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड है, लेकिन वो अपने को यहीं पे लगाना, वो आप बोर्ड में लगाना, बोर्ड में आप चेक कर सकते हो, लेकिन बोर्ड में लगाना नहीं आपको। मेथड सिंपली ये है कि देखो जनरली क्या होता था कि आपके पास चार टाइप के फंक्शंस मिलते थे, जनरली फोर टाइप के फंक्शंस की मैं बात करूं। एक तो सिंपल fx मिलता था यूनिफॉर्मली डिफाइंड, दूसरा fx आपको मिलता था ऐसा वाला, तीसरा fx जो आपको मिलता है जनरली एक पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं ऐसा वाला मिलता है ना, पांच मिलते हैं, बल्कि मैं सारे लिख देता हूं और आपको ठीक रहेगा। एक आपको ऐसा मिलता है, और एक आपको ऐसा भी मिल जाता है, एक पॉइंट की यदि मैं बात करूं जनरली आपको जो फंक्शंस मिलते हैं ऐसे मिलते हैं ना, एक तो सिंपल यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, उसमें कोई इंटरवेल ही नहीं है, सीधा fx लिखा हुआ है। एक ये भी बहुत कॉमन है, x equals to a पर मिलता है, x not equals to a पर मिलता है, फिर ये x greater than equals to a के लिए, x less than equals to a के लिए, x greater than a के लिए, x less than equals to a के लिए, greater than a equals to a, less than equals to a के लिए मिलता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं थर्ड एंड फोर्थ टाइप के केस, केस थ्री एंड फोर, इफ fx इज कंटिन्यूअस, fx is continuous, then for RHB and LHB we can direct differentiate. And put x equals to a. केस थ्री और केस फोर की यदि मैं बात करूं तो केस थ्री और केस फोर में LHD और RHD निकालने के लिए, ठीक है, आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। केस थ्री एंड केस फोर में आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ग्रेटर देन वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास RHD आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास LHD आएगा, इसका डिफरेंशिएशन मतलब ग्रेटर देन वाले का, ग्रेटर देन वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो RHD आएगा, और लेस देन वाले का करेंगे तो LHD आएगा आपके पास, ग्रेटर देन वाले का RHD आएगा और लेस देन वाले का LHD आएगा आपके पास। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन करके x इज इक्वल टू a रखना है, डिफरेंशिएशन करके x इज इक्वल टू a रखना है। ठीक है, कैसे मैं एग्जांपल से बताता हूं। चल लिखा ही नहीं, लिख लो तो, पहले में तो बस fx लिखा था मैंने, है ना, और दूसरे में लिखा था ये पहला था, सेकंड में मैंने क्या लिखा था, x not equals to a लिखा था और x equals to a लिखा था, और ये थर्ड फोर्थ फाइव। लिख लिया,
यस सर यस सर सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या बात कर रहे यस सर यस सर ब्लैक दिख क्या बात कर रहे सब तो दिख रहा है कौन सा चश्मा लगा था इन 3D इंफ्रारेड लगा था तू भी लगा ले 3D लगाओ 3D से दिख रहा है एक मिनट का ना वोल्टेज की बहुत प्रॉब्लम आ रही है लाइट में ये बीच में क्या दिख रहा है खिड़की से आती हुई लाइट वन कम जा रहा है नॉर्मल हो रहा है हैं कितने का हो रहा है इधर वाले फेस में आ रही है प्रॉब्लम तो fx is equals to let's say x for x greater than equals to 0 minus x for x less than 0 ठीक है ना मैं दो तीन क्वेश्चन ऐसे करके बताता हूँ आपको fx is equals to कुछ भी नहीं दिख रहा सर कुछ भी नहीं दिख रहा है सर दिख रहा है सर दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है सच चश्मा पहनता माइनस आगमन कर लिए लगता उसने चश्मा नहीं पहना x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0 ठीक है और एक को ले लेते हैं एक को ले लेते हैं अपन power x minus 1 for x greater than equals to 0 and x square for x less than 0 ठीक है 0 पे equal 0 0 पे 0 ठीक है चलो है ना जैसे अब देखो पॉइंट समझना आप मैं क्या पॉइंट बताना चाह रहा था बेसिकली कि fx ये दिया हुआ है ठीक तो पहली चीज तो ये है कि मैं केवल उस फंक्शन की बात कर रहा हूं पहली चीज तो मैं केवल उस फंक्शन की बात कर रहा हूं जहां पे फंक्शन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 0 या 1 जो भी है मतलब 0 जरूरी नहीं कि 0 आएगा हो सकता है 1 आ जाए हो सकता है 2 आ जाए ठीक है मतलब जिस भी पॉइंट की बात कर रहे हैं उस पॉइंट पे ग्रेटर देन लेस देन ये मुझे दिख जाए ठीक है इक्वल टू किसी के साथ भी लग सकता है इक्वल टू किसी के साथ भी लग सकता है इक्वल टू की कोई दिक्कत नहीं है ना इक्वल टू मैं यहां भी लगा दूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरा रूल लग जाएगा रूल लगाने के लिए बस एक तो ये चाहिए कि फंक्शन ऐसा डिफाइंड हो नंबर वन नंबर टू मुझे ये चाहिए कि फंक्शन कंटिन्यूस है डायरेक्टली दिख रहा है जीरो पे ये जीरो जीरो पे ये जीरो कंटिन्यूस फंक्शन जीरो पे ये भी जीरो जीरो पे जीरो कंटिन्यूस फंक्शन जीरो रखूंगा ई पावर जीरो पे वन माइनस वन जीरो आ रहा है जीरो पे जीरो आ रहा है ये भी कंटिन्यूस फंक्शन हो गया तो कंटिन्यूस फंक्शन तो है सारा ठीक अब मेरा पॉइंट ये था कि ऐसे फंक्शन में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए यदि फंक्शन कंटिन्यूस हो गया उसके बाद के लिए बात मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आप जब इसका डिफरेंशिएशन करके उसमें x इक्वल टू जीरो रखोगे जीरो पे मुझे सारे क्वेश्चंस में कहां पे चेक करनी है x इक्वल टू जीरो पे चेक करना तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करके उसमें x इक्वल टू जीरो रखेंगे सीधा आर एच डी आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन करके उसमें x इक्वल टू जीरो रखोगे सीधा एल एच डी आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल यदि मैं इसका आर एच डी निकालूंगा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन आएगा उसमें x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो भी बनी रहेगा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एल एच डी करेंगे तो माइनस वन आएगा ठीक है साफ साफ दिख रहा है कि नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू जीरो नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू जीरो इसमें इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर एच डी आएगा इसका डिफरेंशिएशन मतलब वो पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आया 2x और उसमें फिर x इक्वल्स टू जीरो रखोगे 2x करने के बाद फिर उसमें x इक्वल्स टू जीरो रखोगे तो ये जीरो आएगा
इसमें भी क्या जीरो, इसमें एक्स आया ही नहीं, तो एक्स आया ही नहीं तो मुझे जीरो रखना नहीं पड़ा, ठीक है। इसमें करेंगे तो एल एच बी करेंगे, तो एल एच बी करेंगे तो माइनस टू एक्स आएगा, फिर उसमें एक्स इक्वल टू जीरो करोगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। इसका RHB निकालेंगे, इक्वल टू किसी के साथ भी आ सकता है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x 1 का 0, फिर उसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे तो RHB इसका 1 आएगा, RHB इसका 1 आएगा, ठीक है। और LHB निकालेंगे इसका, ठीक है, तो इसका LHB यदि मैं निकालूंगा तो इसका LHB x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और उसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे तो वो 2 आ रहा है, तो RHB is not equals to LHB, so non-differentiable at x equals to 0. सर वो 2 कहाँ से होगा, 0 होगा ना सर, वो 0 होगा ना सर, हाँ 0 हो जाए, 0 भी रखते हैं उसमें, 0 भी रखते हैं। ठीक है ना, बस रूल दो है, दो चीजें ध्यान रखनी है आपको ये रूल लगाने के लिए। पहला, फंक्शन कंटिन्यूस हो, नंबर वन। नंबर टू, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। अच्छा, और कंटिन्यूस नहीं हुआ तो मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यदि कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशियबल हो ही नहीं सकता, कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशियबल हो ही नहीं सकता अपने पास, ठीक है। पहली चीज तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और नंबर टू, फंक्शन ऐसे ही डिफाइंड होना चाहिए, x ग्रेटर देन के लिए अलग और x लेस देन के लिए अलग, बस ये रूल है, ठीक है। आ गया समझ में कैसे निकालना आ रही थी LHB? Yes, fx is equals to 1 plus sin x 2 plus x minus pi by 2 का whole square for x less than 0, 0 से लेकर pi by 2 तक, and x greater than pi by 2, yeah? Check the differentiability at x equals to 0 and pi by 2. Fx is equals to 3 power x 4 minus x, x less than equals to 1 and x greater than 1 at x equals to 1. चलो देखें ये दोनों क्वेश्चन करना, अभी जो मेथड बताया उससे कर सकते हो।
नहीं आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जीरो और पाई बाय टू पे चेक करना है, मतलब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जीरो और पाई बाय टू पे चेक करना, जीरो पे नॉन डिफरेंशियबल और पाई बाय टू पे डिफरेंशियल। यस सर। सेकेंड वाला नॉन डिफरेंशियबल एट x इक्वल्स टू वन। सही है ना। जैसे अभी मान लो कि मैंने मान लो जैसे पॉइंट दे दिया था जीरो और पाई बाय टू, अपन ऐसे सोचे मान लो मेरे पास पॉइंट नहीं भी होता, अभी तो मान लो मैंने जीरो और पाई बाय टू पॉइंट दे दिया था, मान लो यदि पॉइंट नहीं भी होता तो भी मैं इसको कैसे चेक करता? आप ऐसे समझो कि मान लो मुझे पॉइंट नहीं दिया, मुझे सीधा सीधा इसकी डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करनी है, तो मैं कैसे चेक करता कि लेस देन जीरो पे वन है, वन इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, इट इज ऑलवेज डिफरेंशियबल। जीरो से पाई बाय टू वन प्लस साइन एक्स, साइन एक्स डिफरेंशियबल होता, वन डिफरेंशियल पूरा डिफरेंशियबल, x greater than pi by 2 का ये पूरा डिफरेंशियबल। तो अगेन जैसे कंटिन्यूटी में करते हो ना, कंटिन्यूटी में जहां पे आपका फंक्शन ब्रेक होता है केवल वहीं पे चेक करते हैं अपन, उसके बीच में हमेशा हो गया, तो मुझे 0 और pi by 2 पे चेक करनी पड़ेगी। तो x equals to 0 पे यदि मैं RHD निकालूंगा, इसके डिफरेंशिएशन से निकलेगी greater than 0 वाले से, तो sin x 1 का 0, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, उसमें 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। एल एच डी इसके डिफरेंशिएशन से निकलेगी तो जीरो आएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू पाई बाय टू की यदि मैं बात करूं, एक्स इक्वल टू पाई बाय टू की, तो पाई बाय टू पे एल एच डी यहां से आएगा, तो पाई बाय टू पे यदि एल एच डी निकालेंगे तो वन का जीरो, साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया, और उसमें पाई बाय टू रखेंगे तो कॉस पाई बाय टू जीरो हो गया, ठीक है। इस अब पाई बाय टू पे चेक कर रहे हो ना, तो पाई बाय टू रखना है, ये ध्यान रखना बेटा, पाई बाय टू पे चेक कर रहे हो तो पाई बाय टू रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आर एच डी निकालोगे तो आर एच डी आपकी निकलेगी यहां से, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस पाई बाय टू, टू का जीरो, इसका टू एक्स माइनस पाई बाय टू, और इसमें भी फिर पाई बाय टू रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, तो ये आपका डिफरेंशियबल टू है। तो वो पूरा इतना बड़ा सा फॉर्मूला आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? हाँ, सेकंड वाला नॉन डिफरेंशियल। अब सेकंड वाले में क्या करोगे कि x इक्वल टू वन पे चेक, अब सेकंड वाला भी यदि करना होता तो आप x इक्वल टू वन पे ही करते हैं, क्यों? क्योंकि लेस देन वन के लिए यदि मैं लूंगा तो लेस देन वन के लिए थ्री पावर एक्स जो है, थ्री पावर एक्स तो पूरा कंटिन्यूस डिफरेंशियबल हो गया, ये भी कंटिन्यूस डिफरेंशियबल, केवल मैं वन पे ही चेक करता हूँ, मुझे नहीं भी देते तो वन पे चेक करते हैं, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू वन पे करते यदि, तो वन पे एल एच डी यहां से निकालते, तो यहां से निकालते तो थ्री पावर एक्स का डिफरेंशियल कितना हो गया, थ्री पावर एक्स इंटू एल एन। अब इसमें एक्स इक्वल टू वन रखोगे, थ्री एल एन थ्री आएगा, और इधर आर एच डी यदि करेंगे तो फोर माइनस एक्स का डिफरेंशियल माइनस फोर का जीरो, माइनस एक्स का माइनस वन, रखने की जरूरत ही नहीं है, तो साफ दिख रहा है एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, सो नॉट डिफरेंशियबल आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से अपन चेक कर सकते हैं, है ना। अच्छा अब दूसरी चीज इसमें एक टाइप का क्वेश्चन मैं और बता देता हूं। ये तो आपने चेक करने की बात हो गई, ये तो चेक करने की बात हो गई। fx is equal to cos square x और ax plus b से 0 to pi by 3 and pi by 3 to pi by 2 find a and b if fx is differentiable at x equals to pi by 3. Find a and b if fx is differentiable at x is equals to pi by 3. जैसे कंटिन्यूटी में आते थे ना क्वेश्चन कि फंक्शन कंटिन्यूस है, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही मान लो कि अब आपको कंटिन्यूस डिफरेंशियबल गिवन है, ठीक है, और आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो डिफरेंशियबिलिटी में अपन क्या कर सकते हैं कि यदि फंक्शन डिफरेंशियबल है, यदि फंक्शन डिफरेंशियबल है तो इसका मतलब कंटिन्यूस तो होगा ही, सही ना। डिफरेंशियबिलिटी में मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाती है, यदि x equals to pi by 3 पे डिफरेंशियबिलिटी दी हुई है, मतलब pi by 3 पे कंटिन्यूटी तो है ही सही, तो मुझे दोनों चीज यूज करनी पड़ेगी। pi by 3 पे कंटिन्यूटी भी यूज करूंगा और pi by 3 पे डिफरेंशियबिलिटी भी यूज करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से pi by 3 पे यदि कंटिन्यूटी की बात करूं, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट इससे निकलेगी, डायरेक्ट पाई बाय थ्री रख सकते हो, पाई बाय थ्री माइनस एच रखना हो तो पाई बाय थ्री माइनस एच रख लो, ठीक है, और डायरेक्ट पाई बाय थ्री रखना हो तो डायरेक्ट भी रख सकते हो। मैं रख के बता देता हूं, लेट्स से पाई बाय थ्री माइनस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कॉस स्क्वायर पाई बाय थ्री माइनस एच, तो ये हो जाएगा वन बाय फोर एच टेंडिंग टू जीरो लगा। आर एच एल यदि इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बनती हो ना, इनडिटरमिनेंट फॉर्म तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, पाई बाय थ्री प्लस एच, पाई बाय थ्री प्लस एच इसमें रखोगे, पाई बाय थ्री प्लस एच तो ए इंटू पाई बाय थ्री प्लस बी आएगा, एच टेंडिंग टू जीरो पे वो जीरो हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। ये कंटिन्यूटी निकालिए, अब एफ ऑफ पाई बाय थ्री कंटिन्यूटी के लिए आप बोलो कि एफ ऑफ पाई बाय थ्री भी यूज कर सकते हैं, कर सकते हो, एफ ऑफ पाई बाय थ्री निकालोगे तो वन बाय फोर ही आएगा, तो वो तो इक्वल दे ही रखा है, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, a into pi by 3 plus b is equals to 1 by 4. This is equation number 1. ठीक है, अब डिफरेंशियबिलिटी की बात करूं मैं pi by 3 पे, डिफरेंशियबिलिटी की, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 cos x into minus sin x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई बाय थ्री रख दो इसमें, टू इंटू पाई बाय थ्री इंटू माइनस रूट थ्री बाय टू, माइनस रूट थ्री बाय टू, इसका डिफरेंशिएशन ए, तो ए इज इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री बाय टू, और ए की वैल्यू इसमें रखेंगे तो बी इज इक्वल्स टू आएगा वन बाय फोर माइनस रूट थ्री बाय टू इंटू, ये आ गया, ठीक है, आई बात समझ में सर? प्लस आएगा, प्लस आएगा, अच्छा वो माइनस का नाम ले दे, है ना। तो जब भी वो डिफरेंशियबिलिटी दे रहा है तो बाय डिफॉल्ट अपने को दोनों चीजें यूज करनी है,
कंटिन्यूटी, एक इक्वेशन कंटिन्यूटी से बन जाएगी और एक डिफरेंशिएबिलिटी से बन जाएगी, ठीक है। और इन सब में ये सब चीजें यूज कर सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी करना हो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, सीधा ले दिया जाएगा अपने पास। ठीक है सर, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए तो किस तरह ऐसे ही कर ला जैसे अपन ने करा है, बोर्ड में आते नहीं वैसे, ए और बी की वैल्यू निकालने वाले, उसमें कंटिन्यूटी चेक करने वाले आते हैं, ऐसे आते नहीं, आएंगे तो फिर वो ऐसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते, ठीक है। चलो तो बस आज के लिए इतना ही बहुत है ना, नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर, लास्ट वाला सर दिखा दीजिए सर, और मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी सर, लास्ट वाला हो गया, देख लिया क्या?